और अब बात कर लेते हैं रूस की। क्या 24 घंटे में रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है? क्या यूक्रेन का मुद्दा दो महाशक्तियों के बीच जंग की वजह बनेगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक बातचीत से मामला सुलझा नहीं है और सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। पबजी स्टाइल में सैनिक दौड़ रहे हैं, पूरे सीन की शूटिंग भी फिल्मी अंदाज में की गई है। टारगेट को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये बेलारूस में की गई ड्रिल की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिक घर में घुसकर मारने का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये क्रीमिया की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिक गोलाबारी का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 2014 तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने हमला करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब अकेला यूक्रेन का कुछ नहीं कर पाया, लेकिन रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन अब पश्चिमी सामरिक संगठन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और रूस इसे अपने हितों के खिलाफ मानता है। यही वजह है कि रूस हथियारों के बल पर तेवर दिखा रहा है। लेकिन अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि बुधवार को रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर सकता है, यानी भविष्यवाणी के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हमले की आशंका से यूक्रेन में दहशत है। इसी आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने बुधवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने दूतावास को यूक्रेन के पश्चिमी शहर लीव में स्थानांतरित कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस को चेतावनी देने के लिए भी अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़े USS ट्रूमैन मेडिटेरेनियन सी में तैनात कर लिया है। नेटो देशों ने भी पिछले दिनों में अपनी तैनाती यूक्रेन के पड़ोसी देशों में बढ़ाई है। हालांकि रूस से बातचीत की कोशिशें जारी हैं। रूस ने भी कहा है कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन में नेटो की मौजूदगी को अपने लिए खतरा मानता है और इस पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ABP News, आपको रखे आगे।